continue. Subscribe my channel and please press bell icon. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी मैं हूँ उस्मा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी नाइट क्रीम जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। एक ऐसी नाइट क्रीम जो आपके फेस की एक्निक, जो आपके फेस के रिंकल्स, जो आपके फेस की मॉइस्चराइजिंग ख़त्म कर चुकी है, मतलब कि जो आ चुके हैं रिंकल्स, जो एक्निक प्रॉब्लम हो चुकी है, ये सब प्रॉब्लम से सोल्यूशन जो है वो आपकी ये नाइट क्रीम है जो होममेड है, टोटली होममेड है और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से जो मैंने बनाई है। ये नाइट क्रीम आपने डेली रात को यूज़ करनी है 7 डेज। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। इस नाइट क्रीम में जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड किए हैं वो होममेड इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। और उसमें ख़ास तौर पर मैं आपके साथ एक इंग्रेडिएंट ऐसा इस नाइट क्रीम में शेयर किया है जो ऑलमोस्ट जो भी आप शॉप से नाइट क्रीम्स लेते हैं उसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो ये नाइट क्रीम आपको बहुत ही बेनिफिशियल देने वाली है और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूट करने वाली है। तो इस नाइट क्रीम को कैसे बनाना है, इस नाइट क्रीम को कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, ये सारा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको बताऊँगी। तो मेरी अगर वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको इसकी सारी जो भी प्रोटेक्शंस हैं और इसकी जो रेमेडी है वो आपको मिल जाएगी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक जल्दी पहुंच जाए और जो भी मैं आगे यूज़फुल वीडियो बनाने लगी हूँ, आपके लिए लेकर आने लगी हूँ, वो भी आप तक जल्दी पहुंच जाए और पहले पहुंचे ताकि आप जल्दी फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो इस नाइट क्रीम में कौन से इन्ग्रीडियंट्स इंक्लूड होने हैं और कैसे ये बनेगी, तो चलें चलते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। और ये नाइट क्रीम आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं, पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। जी करना क्या है आपको, एक बाउल ले लेना है, इन बच्ची बाउल ले लेना है बिल्कुल, और प्लास्टिक का ले लें या शीशे का ले लें, चॉइस फॉर यू। उसमें आपने ऐड कर लेनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक मॉइस्चराइज़र है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और नाइट में लगाने से आपकी स्किन का जो इफेक्ट ग्लो करती है वो आपको नहीं पता। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को बहुत ग्लोइंग प्रोसेस देती है, ठीक है। आपने एक स्पून एलोवेरा जेल ले लेना है और एक ही या हाफ स्पून आपने कोकोनट ऑयल ऐड कर लेना है इसमें। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को टैनिक और आपकी स्किन की जो रिंकल्स प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में मदद देती है, ठीक है। यहाँ पे मैं मिल्क यूज़ कर रही हूँ लेकिन रॉ मिल्क नहीं यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हम बॉइल्ड मिल्क यूज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी देर रखनी है क्रीम। इसका मिक्सचर बना के आप रूम टेम्परेचर या फ्रिज में रख सकते हैं, तो काफ़ी देर रखने के लिए आप बॉइल्ड मिल्क यूज़ करेंगे। अगर रॉ मिल्क यूज़ करेंगे आप तो उससे क्रीम ख़राब होने का अंदेशा भी हो सकता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 2 विटामिन A के कैप्सूल्स, और विटामिन ए के कैप्सूल्स का तो आपको पता ही है जो आपकी स्किन को विटामिन प्रोवाइड करती है, आपकी स्किन की नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करती है और वापस लेकर आती है। इस मिक्सर को मैं अच्छी तरीके से मेल्ट कर लूँगी, अच्छी तरीके से इसका प्रोसेस एक लिक्विड बना लूँगी, क्रीमी फॉर्म और एक जेल फॉर्म आपको इस मिक्सचर में मिलेगी। अच्छी तरीके से इसको आप तीनों जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छी तरीके से फाइंड अप कर लें, और फाइंड अप करने के बाद आप इसको किसी भी इम्पर्टी जार में, कंटेनर में इसको सेव कर लें। मेरे पास ये पॉन्ड्स की ब्यूटी क्रीम है और उसका
इम्पटी कंटेनर है तो मैं इसमें इसको ऐड कर लूँगी। ठीक है, ऐड करने के बाद अब इसको लगाने का तरीका क्या है कि आप रात को किसी भी टाइम आप माउथ वॉश करके सोने से पहले माउथ वॉश कर लें। माउथ वॉश करने के बाद इसको यूज़ करें। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी, इंशाल्लाह जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यूज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।